हाइपोथायरायडिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का यह टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोथायरायडिज्म डिसीज क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, यह क्यों होता है और इसे होम्योपैथी दवाओं से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाइपोथायरायडिज्म के नाम से ही आप ये समझ गए होंगे कि यह वीडियो थायराइड से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपरथायरायडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपरथायरायडिज्म का जो सिम्टम होता है उसमें पेशेंट का वजन घटता है। हाइपरथायरायडिज्म में वजन घटता है, व्यक्ति पतला होता जाता है, लेकिन हाइपोथायरायडिज्म में व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, व्यक्ति मोटा होता जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो हाइपोथायरायडिज्म वालों के लिए है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, यह वीडियो उनके लिए है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइपोथायरायडिज्म होता क्या है। दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश में करता हूँ। दोस्तों हमारे गले में यानी कि इस जगह पर एक तितली के आकार की जैसी थायराइड ग्लैंड होता है, और दोस्तों हमें हाइपोथायरायडिज्म तभी होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, अगर हमारे ब्लड में थायराइड नाम का हार्मोन्स जब वो जनरेट नहीं कर पाती है, सफिशियंट मात्रा में अगर वो बना नहीं पाती है, तो हमें हाइपोथायरायडिज्म की शिकायत हो जाती है। और जब थायराइड नाम का हार्मोन हमारे ब्लड में बनेगा ही नहीं, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लगभग हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसका असर सभी पर पड़ता है। दोस्तों जब हमें सफिशिएंट थायराइड हार्मोन नहीं मिलेगा तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो धीमी पड़ जाती है। दोस्तों पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में हाइपोथायरायडिज्म की समस्या देखी जाती है। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड टेस्ट में हाइपोथायरायडिज्म उनको आया है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आने वाली जो जीन्स होती है, उनका जो आने वाला चाइल्ड होगा आगे चल करके, उसे भी हाइपोथायरायडिज्म की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर हाइपोथायरायडिज्म के लक्षणों की बात करें तो जैसे कि उन्हें थकान बहुत ज्यादा लगेगी, उनका वजन बढ़ता जाएगा, उन्हें ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, मांसपेशियों में पेन रहता है, उनकी जो स्किन होती है बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल रूखी सूखी से रहती है। हाइपोथायरायडिज्म के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके जो बाल होते हैं बहुत पतले होते हैं, रूखे होते हैं, एकदम बेजान होते हैं। दोस्तों अगर किसी फीमेल को हाइपोथायरायडिज्म की समस्या है, अगर उनको हाइपोथायरायडिज्म ब्लड टेस्ट में आया हुआ है, तो उनका जो पीरियड होता है ना, वो कभी पहले होगा, कभी लेट होगा, कभी कम ब्लीडिंग होगी, कभी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, और उन्हें प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और हार्ट से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पल्पिटेशन ज्यादा होना, या पल्पिटेशन का कम होना, या सीने में दर्द रहना, या उनके हार्ट में पेन रहना, ये कुछ मुख्य सिम्टम्स हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। दोस्तों अगर हाइपोथायरायडिज्म के कारणों की बात करें तो आप ये समझिए कि हाशिमोटो नाम की एक बीमारी होती है, उस वजह से भी हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग है, सूजन है, तो भी हमको हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत हो सकती है। किसी किसी को तो बचपन से ही हाइपोथायरायडिज्म की समस्या रहती है, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से ही उनको हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत रहती है। दोस्तों एलोपैथी में कुछ ऐसी हार्मफुल मेडिसिन होती हैं जिनका सेवन ज्यादा करने से भी हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी की वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिन्हें यूज करके आप अपने हाइपोथायरायडिज्म को कंट्रोल मैनेज ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम थायरोडिनम है। और दोस्तों थायरोडिनम को आपको 3x के पोटेंसी में यूज करना है, दो गोली सुबह, दो गोली दोपहर में, दो गोली रात को, आपको चूस जाना है। दोस्तों थायरोडिनम 3x बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, खासकर हाइपोथायरायडिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायरोडिनम 3x बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसमें जो कमजोरी लगती है, जो वजन बढ़ता जाता है, जो थकान सी लगी रहती है, भूख नहीं लगता है, इन समस्याओं में थायरोडिनम 3x बहुत ही इफेक्टिव
रोल करती है। आप थायरोडिनम 3X को जरूर यूज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने के लिए जो अगली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे उसका नाम कैल्केरिया कार्ब है। और कैल्केरिया कार्ब भी आपको 30 की पोटेंसी में यूज करना है, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कैल्केरिया कार्ब हाइपोथायरायडिज्म के लिए। एक्चुअली दोस्तों कैल्केरिया कार्ब मोटे और थुलथुले लोगों की मेडिसिन ही होती है। और हाइपोथायरायडिज्म का जो सिम्टम होता है उसमें वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, तो इसलिए कैल्केरिया कार्ब 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम बेरिटा कार्ब है। और बेरिटा कार्ब को भी आपको 30 की ही पोटेंसी में यूज करना है। और दोस्तों बेरिटा कार्ब का जो सिम्टम होता है, हमारे कान की जो निचली ग्रंथियां होती हैं, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, इनमें स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। जब भी आप कोई चीज पीते हैं, कोई चीज खाते हैं तो आपको यहाँ पर पेन होता है। और अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है, अगर आपके थायराइड ग्लैंड में सूजन है, आपके कान के नीचे की ग्रंथियों में अगर सूजन है और यहाँ पर अगर दर्द है, आपको थकान रहती है, वजन अगर आपका बढ़ता जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन बेरिटा कार्ब 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने के लिए जो अगली होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज करना है उसका नाम पल्सेटिलर नाइग्रा है। और पल्सेटिलर नाइग्रा का जो सिम्टम होता है, खासकर ये फीमेल की मेडिसिन होती है, जो महिलाएं जल्दी ही रोने लगती हैं, जल्दी ही भावुक हो जाती हैं, जिनका पीरियड सही नहीं रहता है, हाइपोथायरायडिज्म हो, इसके साथ ही साथ उनका पीरियड टाइम से न आता हो, ज्यादातर ऐसा होता हो कि उनका पीरियड लेट आता हो और उनको ब्लीडिंग बहुत कम होती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सेटिलर नाइग्रा 30 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो हाइपोथायरायडिज्म में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और उनका जो पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसमें भी उनको आराम लग जाएगा। और दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने के लिए जो आपको अगली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना है उसका नाम सीपिया है। और सीपिया को भी आपको 30 की ही पोटेंसी में यूज करना है। सीपिया का सिम्टम ये होता है, सीपिया भी स्पेशली फीमेल की मेडिसिन होती है, अगर किसी फीमेल को उनके पेल्विक रीजन में यानी कि पेड़ों में अगर दर्द रहता है, अगर उनको हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत है और उन्हें इंटरकोर्स करते समय अगर उनको पेन होता है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है सीपिया। जी हाँ दोस्तों, सीपिया 30 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको हाइपोथायरायडिज्म में भी आराम मिलेगा और उनको जो सिम्टम आ रहे हैं उनके पेल्विक रीजन में उसमें भी आराम लग जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको हाइपोथायरायडिज्म के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे कंट्रोल, मैनेज और ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की भी जानकारी हमने दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में ले आता रहता हूं और साथ ही साथ मैं हेल्थ टिप्स भी देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।